हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, क्या कर रहे हो भाई? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो? यार कर दो, क्योंकि आज के वीडियो पे मैं जो मॉड कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे अपकमिंग मॉड्स के, तो भाई वो भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करने वाला है। यस, तो भाई अभी से लाइक कर दो, बाद में भाई भूल जाओगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। पिछली बार मैंने आप लोगों को स्वॉर्ड दिखाया था भाई, तो अभी मैं बाकी के दो चीज़ों की भाई एबिलिटी दिखा देता हूँ। तो टोटल आपको यहाँ पे चार टाइप के स्वॉर्ड्स मिलेंगे। तो पहले पे आते हैं भाई लॉन्ग स्वॉर्ड। हाफ वर्ड कैसे इतने लोगों ने किया, तो देखो भाई इससे भाई ना आप किसी भी एंटिटी को ऊपर फेंक सकते हो। हाँ, इसको मैं अटैक वाले सिस्टम पे डाल दूंगा, जैसे आप अटैक करोगे तो ऊपर जाएगा। अभी तो बस ये शोकेस के लिए है। एंड इसी के साथ साथ ना यहाँ पे हैमर भी है। तो पहले तो मैं आप लोगों को लॉन्ग शॉट की दिखा देता हूँ, और आप यहाँ पे क्लोज रेंज पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखो हैमर भाई इन लोगों भाई यहाँ पे बांध के रख देगा भाई, हैमर बहुत खतरनाक है। और इसको भी मैं डैमेज वाले सिस्टम पे डाल दूंगा, जैसे आप मारोगे तो भाई सारे एंटिटी नीचे चला जाएगा ऐसे। भाई ये है हैमर की पावर भाई, देखो भाई जावा में भी ऐसी हैमर सिस्टम है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम हैमर वैसा सिस्टम है। और ये लोग अटैक भी नहीं करने वाले आप लोगों पे आप लोगों की हिट बॉक्स तक भी नहीं पहुंचने वाला ये लोग भाई, ये है ना काफ़ी सही है। और हाँ, इससे ना आप मॉब्स को ट्रैप भी कर सकते हो, काफ़ी काम का चीज़ें है। और देखो इन सभी को मैं एक ही पॉइंट पे भी ला सकता हूँ, तो ये भाई बहुत सही काम का होगा अगर आप बहुत बड़े डंजन लूटने जाओगे। एंड डोंट वरी, इन मॉब्स को भी और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने वाला हूँ। हाँ भाई, केवल बस वेपन्स ही नहीं आने वाले भाई, मॉब्स भी पावरफुल आने वाला है। एंड इस हैमर के भाई हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं भाई, ये क्लोज रेंज पे भी यूज़ किया जा सकता है। एंड इसके बाद सबसे मेरी फेवरेट वाली चीज़ को दिखाता हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो पे भी दिखाया था बट बिल्कुल सही से नहीं दिखा पाया था। चलो अब दिखा देता हूँ। तो पहले तो भाई ये लॉन्ग शॉट की एक और बार दिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी स्पीड में ज़्यादा कर दूंगा तो भाई ये सही होगा। 1 2 3, मैंने उल्टा किया था भाई, डोंट वरी, इसको मैं फिक्स कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। एंड पहले भाई इन लोगों को थोड़ा चुप करवा देता हूँ, एंड खत्म। और हाँ, यहाँ पे ना भाई डैमेज कुछ ज़्यादा नहीं है इन लोगों की, ये जो स्वॉट है, क्योंकि यहाँ पे भाई एन्चेंटमेंट आने वाले अपर लेवल की। और देखो भाई ये नानचैक है भाई, इसके साथ ना मैं मल्टीपल मॉब्स को मार सकता हूँ एक ही बार में। हाँ, ये सबसे बेस्ट है, स्वीपिंग एज का बाप है भाई यस भाई, ये स्वीपिंग एज से थोड़ा बहुत इंस्पायर किया गया है। अभी आप लोगों को थोड़ा और डैमो दिखा देता हूँ भाई। ये देखो नानचैक की पावर भाई, एक ही बार में मैं सबको हिट दे पा रहा हूँ और मर भी रहा है भाई। और हाँ, इसमें भाई अपने को एक्सपी नहीं मिल रहा, तो ये भी मैं दिक्कत फिक्स कर दूंगा भाई। एक्सपी वाला, एक्सपी के लिए आप इन सभी को एक बार मारना पड़ेगा। और यहाँ पे रैपियर भी है, और रैपियर की काम बस फाइट के लिए है, इसमें कोई पावर नहीं है, ये बस एक बेसिक सा वेपन है भाई। और लॉन्ग शॉट की हाइट को भी मैं फिक्स कर दूंगा भाई, उसका कोई टेंशन नहीं है, उसको मैं बाद में देख लूँगा। एंड बहुत जल्दी भाई ये मॉड्स आपको एक सिंगल मॉड पे भी मिलेंगे, सारे मॉड्स को एक ही में मिलेगा, क्योंकि MCPDL ना अभी भाई छोटे मोटे मॉड्स नहीं ले रहा। और हाँ, सपोज आप ऐसे भाग रहे हो और भागते भागते एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए, यस, तो दिस इज़ द मॉर्फ, वो भी कस्टम एंटिटी वाला। हाँ, ये अभी भाई बीटा है, तो इसमें भाई थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। एंड मुझे सारी चीज़ें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्या मैं फिक्स कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे एनिमेशन नहीं दिख रहा होगा, और मेरी आधी बॉडी भाई ज़मीन के अंदर है भाई, बहुत सारी चीज़ें मुझे करना होगा। और ये तो मैं अभी बस आइडिया लिया हूँ भाई, इसमें और भी चीज़ें करना होगा। और भाई ये कोई रिसेंट मॉड पे नहीं आने वाला, इसके ऊपर मैं और भी ज़्यादा काम करने वाला हूँ। एंड भाई पिछले वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, तो अगर आप ऐसे ही भाई आइडिया शोकेस के भाई सपोर्ट दिखाओगे ना, तो भाई मैं और भी ज़्यादा इन चीज़ों पे काम कर पाऊँगा, तो अपने को भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा भाई गेमिंग से भाई ज़्यादा ओके। और डोंट वरी, मैं वॉल्ट हंटर की भी एपिसोड लाना स्टार्ट करूँगा कल से, और मैं इन सभी पे भाई काम स्टार्ट करने वाला हूँ ओके। तो भाई इसका ना भाई बहुत सारे चीज़ें हैं भाई, ये अभी तो नहीं आने वाले, इसको आने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम, लिटरली भाई 6 मंथ से ज़्यादा टाइम है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखना होगा, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखना है भाई, ये अभी मेरे बस की बात नहीं है, मैंने बस आइडिया को एग्जीक्यूट किया है। इसमें और भी ज़्यादा अपने को भाई प्लानिंग करना होगा, तभी ये जाके सही काम करने वाला है। और यहाँ पे मॉब्स भी मुझे अटैक कर रहा है, इसको भी मैं भाई हाइट कर सकता हूँ, कोई मॉब्स मुझे मारेगा नहीं, ऐसा सिस्टम भी मैं डाल सकता हूँ। एकदम भाई हम लोग एक एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी कस्टम मॉडल वाले एंटिटी। एंड इसके बाद आते हैं भाई सबसे फेवरेट मेरे,
ओके तो पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ भाई, ये जो भाई आर्मर है ना, टूल्स है ना, तो इनको मैं अपडेट कर सकता हूँ नेदरराइट के साथ। देखो स्मिथिंग टेबल में ले गया है ना, ऐसे करके मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ। ये बन गया नेदरराइट की, और मैंने नेदरराइट की टेक्सचर को ना मैं थोड़ा सा पिंक कलर, पिंक नहीं यार पर्पल कलर पर रखा हूँ। मुझे पर्पल कलर सही लगता है नेदरराइट की चीज़ों में, पता नहीं क्यों। और हाँ यहाँ पे मैं ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लाइक मैंने यहाँ पे शार्पनेस 5 की रेपियर को मैंने नेदरराइट इनगोर से अपडेट किया, तो मुझे भाई एन्चेंटमेंट वापस मिल गया शार्पनेस 5। तो मैं बस सोच रहा था कि स्मिथिंग टेबल पे मैं जो भी चीज़ें क्राफ्ट करूँगा ना भाई, उसके एन्चेंटमेंट हटता नहीं है। तो इसी चीज़ को ना मैं माइंड पर लेकर मैं एक चीज़ बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, यस डिस एन्चेंटमेंट सिस्टम, वो भी भाई विदाउट लूजिंग एन्चेंटमेंट। तो देखते भाई, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं एन्चेंटमेंट सेपरेटर। तो भाई इसके लिए बस अपने को ये रखना है। ओके भाई बुक बन रहा है, ओके आई थिंक मैं एन्चेंटमेंट निकाल सकता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे बुक बन गया, और बुक में कौन सी एन्चेंटमेंट आया है, शार्पनेस 5 भी आया है भाई। अगर ये एग्जैक्टली वैसा काम किया ना भाई, बहुत काम ईजी हो जाएगा अपना। एंड अब बस मुझे भाई होप करना है कि ये काम कर जाए। और राइट गाइस, तो ये भाई वर्क नहीं हो रहा, ओके इसके साथ हो रहा है बट उसके साथ नहीं हो रहा। आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। हाँ भाई तो ओके एक और बार ट्राई करके देखता हूँ। वो हाँ मुझे पता चल गया भाई, मुझे एन्चेंटेड बुक चाहिए। तो नॉर्मल बुक है, ये है एन्चेंटेड बुक। तो मुझे एन्चेंटेड बुक चाहिए तभी मैं इसको भाई काम कर सकता हूँ, वरना भाई ये वर्क नहीं करने वाला। ओके देखो भाई नॉर्मल बुक्स के साथ भी ये कंबाइन नहीं हो रहा। ओके अगर तुम्हें पता नहीं तो बुक्स किसी के साथ भी एन्चेंटमेंट ले लेता है, आई मीन किसी भी टूल्स के एन्चेंटमेंट अपने दूसरे बुक पे चला जाता है। और यहाँ पे जो डंजन है ना भाई, यहाँ से मैं लूट कलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक ना एक एन्चेंटेड सामान मिल ही जाएगा, वो भी रैंडम एन्चेंटमेंट के साथ। एंड ये नहीं, और ये बैटल टावर मेरा ही भाई मॉड है, इसमें भाई और भी चीज़ें आने वाले हैं भाई। ओके मुझे मिल गया एक ओपी सा एन्चेंटमेंटेड टूल्स, आई मीन एन्चेंटेड टूल्स भाई। इसमें भाई अनब्रेकिंग 3, फॉर्चून 3, एफिशिएंसी 4 है, मतलब भाई गॉड लेवल एन्चेंटमेंट है। गॉड नहीं ठीक है, ओपी लेवल एन्चेंटमेंट है। तो भाई ये सबल पे तो बिल्कुल सही नहीं दिख रहा, वो भी भाई आयरन के। तो इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, तो यहाँ पे सबल रखता हूँ। ओके अपने पास एन्चेंटेड बुक आ चुका है, वो भी भाई सारे एन्चेंटमेंट के साथ, मतलब भाई अब हम लोग एन्चेंटमेंट हटा सकते हैं। ओके तो अब तो भाई डंजन लूटने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और मेरे सारे मॉड की लिंक मैं सेकंड चैनल जरूर कर आप 2.0 पे लाता हूँ, तो जाके उसे भी चेकआउट करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।